एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जो जातक और जातिका ये जानना चाहते हैं कि उनके कुंडली में जो पाए के बारे में बात होती है तो उसको कैसा देखा जाता है। तो सर्वप्रथम तो हम बता दें कि जो ज्यादा प्रचलित है वो चंद्रमा से रिलेटेड है, वो जो है वो पाया है वो ज्यादा प्रचलित है। नक्षत्र से और शनि से भी देखे जाते हैं, परंतु आज जो हम चर्चा नक्षत्र और शनि से पाए वालों की नहीं करेंगे। आज जो ज्यादा प्रचलित पाया है वो चंद्रमा से जो भाव में बैठा है उसके अनुसार हम बात करेंगे। तो जो भी जातक और जातिका जानना चाहते हैं और वो भी सभी लोग जानना चाहते हैं कि जब भी बच्चे का जन्म होता है तो सर्वप्रथम पूछा जाता है कौन से पाए में इसका जन्म हुआ है, तो उसको देखने के लिए जो सरल तरीका है वो आपको चंद्रमा को देखना है कि चंद्रमा जो आपका है कुंडली में ये 12 भावों में कहाँ बैठा है जब आपका जन्म हो रहा है उस टाइम पे। तो जैसा कि आपको यहाँ से हम बताने का प्रयत्न करेंगे, जो भी जातक और जातिका सर्वप्रथम देखे कि इसमें जो पाए होते हैं उसमें सोने का पाया होता है, फिर चांदी का पाया, तांबे का, लोहे का पाया, ये चार प्रकार के पाया के बारे में बात की गई है। तो हम बात करेंगे सर्वप्रथम जनकुंडली में चंद्रमा से जो पाए के बारे में बात की जाती है उसकी बात करेंगे। तो जन्म कुंडली में जिस भाव में चंद्रमा बैठा है उसके अनुसार पाए का निर्धारण होता है। तो जैसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं लग्न में चंद्रमा बैठा है, तो ऐसे ही अगर ये चंद्रमा लग्न में बैठा हो और छठे भाव में बैठा हो और 11 भाव में बैठा है, पहला छठा 11 भाव में अगर चंद्रमा आपका बैठा है तो इसको हम सोने के पाए में जन्म लिया हुआ बालक कहेंगे। उसके बाद में जो है दूसरा भाव है, पंचम भाव है, पंचम भाव और नवम भाव, दूसरा पांचवा नवम भावों में अगर चंद्रमा है, अने ये जो चंद्रमा है अगर यहाँ चंद्रमा दूसरे भाव में है या पांचवे भाव में है या नवम भाव में आपका चंद्रमा बैठा है तो इसको चांदी का पाया कहा जाएगा। इसके पश्चात हम आ जाएं तीसरे भाव पे आ जाएंगे, तीसरे और सातवें और दसवां भाव, तीसरा सातवां दसवें भावों में अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा बैठा है तो आपको ये तांबे का पाया कहलाएगा। और इसके बाद में जो लास्ट है चौथा भाव है, आठवां भाव है और बारहवां भाव है, तो इसको लोहे का पाया पाए में जन्मा व्यक्ति कहा जाएगा। तो जो भी हमने देखा कि किस तरह से आप पहले छठवे और ग्यारह भाव में अगर चंद्रमा है तो ये सोने का पाया है, फिर हमने देखा दूसरे पांचवे और नवे भाव में अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा बैठा है तो इसको चांदी का पाया कहा जाएगा। इसके बाद में जो है तीसरा सातवां और दसवें भावों में अगर चंद्रमा आपका बैठा है तो वो तांबे का पाया कहला जाएगा। और इसी तरह से चौथे आठवें और बारहवें भावों में अगर चंद्रमा बैठा है तो वो लोहे का पाया कहलाएगा। अब ये पाया के जो जानकारी दी इसमें जो हम क्रम से देखेंगे तो सबसे जो चंद्रमा वाला जो पाया है उसको बहुत ही महत्वपूर्ण ज्योतिष में या शास्त्रों में ज्योतिष आचार्यों ने उसको बहुत महत्वपूर्ण भाव वो दिया हुआ है। चांदी का पाया को बहुत अच्छा माना गया है। तो चांदी के पाया के बारे में जैसे हमने बताया कि अगर आपका चंद्रमा जो है दूसरे भाव में हो और पांचवे भाव में हो, नवे भाव में हो, तो उसको चांदी के पाए में जन्मा, अगर आपका चंद्रमा कुंडली में मजबूत है, अच्छी स्थिति में है, तो आप मान के चलिए कि आपके बच्चे का जो जन्म होने चांदी के पाए में होने से आपको जैसे क्योंकि ये दूसरा धन भाव है और ये आपका लक्ष्मी भाव कहते हैं, पांचवा और नवा भाव जो है वो लक्ष्मी भाव कहलाते हैं, तो जातक को सब तरह का सुख है और ज्ञान है और उसका धर्म के भाव है,
तो कहने का मतलब है कि ये यहाँ से लक्ष्मी भाव भी देता तो उसको सभी तरह से आनंद प्राप्त होगा, धन की कमी नहीं रहेगी, इसीलिए इसे लोहे का पाया बोआ गया, तो धन की इसको ऐसे जातकों को कमी नहीं रहती है और जीवन में उसको अच्छी महत्वपूर्ण ऊंचाइयों पे जाते हैं, अगर बच्चा अगर चांदी के पाया में जन्म लिया हुआ है। इसी प्रकार से इसके दूसरे क्रम में आते हैं तो उसको हम तांबे का पाया बोलते हैं, तो तांबे के पाया के लिए आपको हमने बताया कि तीसरा सातवां दसवें भाव में अगर चंद्रमा है तो वो तांबे के पाया वाला कहलाएगा, तो इसमें भी इसको भी अच्छा माना गया है, चांदी के पाये के बाद में दूसरा क्रम में तांबे के पाये को दिया गया है, तो ये सबसे श्रेष्ठ हो गया चांदी का पाया, उससे अति श्रेष्ठ के बाद में श्रेष्ठ मान ले तो हमारा तीसरे सातवें या दसवें भाव में अगर चंद्रमा है तो तांबे का पाया है तो वो श्रेष्ठ हो गया, फिर उससे कम कमजोर हो जाएगा, फिर आपको सोने के पाए के बारे में बात करेंगे, तो पहले भाव में और छठे भाव में और ग्यारह भाव में अगर चंद्रमा बैठा है तो वो सोने का पाया है, तो क्रम में ये तीसरे तीसरा जो पाया है, तीसरे प्रकार का जो पाया है सोने का पाया, ये जो है आपका जो जो पहले चांदी का और तांबे के बाद में इसके श्रेणी सोने के पाए की तीसरी में आती है, और सबसे लास्ट में है चौथे आठवें भाव और बारह भाव में चंद्रमा होगा तो ये जो है लोहे का पाया कहलाएगा और ये अच्छा नहीं माना गया है, तो इसमें जो जातक जब भी जन्म लेता है तो उसको परेशानियों का उसके जीवन में संघर्ष रहता है, क्योंकि ये आठवां भाव और बारहवां भाव जैसे आपको माना है कि अच्छे भाव नहीं माने जाते हैं, और यहाँ अगर चंद्रमा होंगे तो आपको उसके फल अच्छे प्राप्त नहीं होते हैं, तो इस तरह से लोहे की आपको उसका जो उपाय के स्वरूप में आप लोहे की चीजों का आपको दान देना चाहिए, जो भी शनिवार के दिन आप लोहे की चीजों का दान दे के इस जो लोहे के पाए का जो प्रभाव है लोहे की वस्तुओं का दान से उसका प्रभाव को कम कर सकते हैं। इसी तरह से जो सोने के पाया है तो अपने जो हमने बताया कि वो उसमें उसको अच्छा करने के लिए आपको गुरुजनों को जो दान देना चाहिए, उनको गुरु जैसे लोगों का सम्मान करना चाहिए जिससे कि सोने के पाए वालों का अच्छा हो सके, तो इस तरह से आपने देखा कि सोने और चांदी के सोने और गुरु लोहे के पाए वाले अगर थोड़ा अपने इस तरह के उपाय करें, सरल से उपाय करें जिससे कि उनके प्रभाव को कम कर सकते हैं, तो आज हमने जो बात की कि किस तरह से जो भी जातक और जाति का है जो भी जातक और जाति का अपने कुंडली में किस सरल तरीके से आप अपने कुंडली में देख सकते हैं कि आपको अगर चांदी के पाए में आपका जन्म हुआ है तो बहुत ही अच्छा माना जाएगा, अगर चांदी के पाए में जन्म होता है तो उसको अच्छा माना जाता है, और उसके बाद में जो हमने बात की कि तांबे का पाया उसके बाद में आता है तो, और उसके बाद में सोने का और सबसे लास्ट में लोहे का है, तो आप इस तरह से जैसे सोने के पाए के लिए हम बताया है कि आपका पहला भाव है, छठा भाव और ग्यारह भाव है, तो पहला आपका व्यक्तित्व तो हो गया, छठा भाव रोग ऋण शत्रु का हो गया, ग्यारह लाभ का हो गया और रोग से रोग का हो गया, तो जनरली रोग अगर आपको रोग वगैरह होते हैं इस जन्म होने के बाद में तो आपको उस तरह का वो देखना चाहिए कि रोग से निवारण हो सके, और जो भी दान वगैरह पूर्ण जो भी दान वगैरह हमने देना चाहते हैं तो आप सोने की चीजें छोटा सा सोना अपने गुरु लोगों को दान वगैरह दे के उसको बढ़ा सकते हैं, तो ये समुचित जानकारी हमने दी कि सोने के पाए वाले लोग गुरुजनों की जितनी सेवा पूजा करेंगे वो अच्छा रहेगा, सबसे अच्छा बेस्ट है वो चांदी का पाए वाले, अगर आपका दूसरा पांचवा नवा भाव जो है ये धन भाव लक्ष्मी भाव कहलाते हैं पांचवे और नवे, तो यहाँ पे चांदी के पाए में जन्म लेना बहुत ही अच्छा माना गया है, तो अगर आपकी जन्म आपकी कुंडली में बहुत ही अच्छी स्थिति में है तो आपको जीवन बहुत ही अच्छा बीतेगा, इसके विपरीत अगर लोहे के
पाए में जन्म है, अगर चंद्रमा आपका चौथे आठवें बारहवें भाव में है तो वो आपको संघर्षपूर्ण जीवन बिताना पड़ता है। तो इसलिए आपको हो सके तो जो लोहे की वस्तुओं का समय समय पर दान देते रहना चाहिए। तो आज हमने जो जानकारी दी आपको कि किस तरह से जातक और जातिका अपनी कुंडली में जान सकते हैं कि उनका जो पाए के बारे में हमने जो बताया कि कैसे आप पायों को देख सकते हैं अपनी कुंडली में, क्योंकि जब भी हमने देखा है कि बच्चे का जन्म होता है तो पहला प्रश्न ये पूछा जाता है आपका ज्योतिषियों से और आचार्यों से कि इस कौन से पाए में जन्म लिया है, और उसके अनुसार वो जब देखने का जो आसान तरीका है वो आपको बताया, ये चंद्रमा से जो पाया बनता है उसकी बात कर रहे हैं, हमने अभी नक्षत्र और शनि से बनने वाले पाया की बात नहीं कर रहे हैं, और इसको ज्यादा महत्व दिया गया है। और इस तरह से अगर आपकी कुंडली में आप सरल तरीके से देख सकते हैं, फिर से आपको एक बार वापस हम लोग इसका समरी कर लें। तो पहले हमने बताया कि लग्न भाव यानी पहला भाव, छठा भाव और जो 11 भाव में चंद्रमा अगर बैठा है तो सोने का पाया होता है। उसके बाद में हमने बताया कि दूसरा भाव, पांचवे भाव और नौवे भाव में अगर चंद्रमा बैठा है तो चांदी का पाया होता है। इसके बाद बताया कि तीसरे, सातवें और दसवें भाव में अगर चंद्रमा है तो तांबे का पाया कहलाता है, और चौथे, आठवें और बारहवें भाव में अगर चंद्रमा है तो वो लोहे का पाया कहलाता है। सर्वश्रेष्ठ चांदी के पाये को बताया गया है, और जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है, और लोहे का पाया है वो चौथे, आठवें, बारहवें भाव जो कि सबसे निचले क्रम में आएगा, चार प्रकार में से सबसे नीचे क्रम में आता है, जो संघर्षपूर्ण रहता है। तो उसके हमने उपाय भी बताए हैं। तो आप इस तरह से अपनी कुंडली में जान सकते हैं, और जो भी जातक और जातिका है अपनी कुंडली में इस तरह से पाए के भी जानकारी ले सकते हैं। आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और टेलीफोन से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं, कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आपने हमारे वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, चैनल सब्सक्राइब की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।